स्वागत है, मैं हूं आपके साथ नूतन शेखावत। सबसे पहले बात करेंगे जी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की। तो गुलाबी शहर में जी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के 11वें संस्करण का आज आगाज हो गया है। फेस्टिवल का आगाज वीएनए इंडिया की कंटेंट एडवाइजर श्रेयांसी गोयनका, जी रीजनल सीईओ जगदीश चंद्र, पूर्व राज्यपाल मार्गरेट आल्वा ने किया। और इस मौके पर फेस्टिवल डायरेक्ट संजोय के रॉय, नमिता गोखले और विलियम डेलरिम्पल समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। डिगी पैलेस के फ्रंट लॉन में कार्यक्रम की शुरुआत मीता पंडित की स्वर लहरी के साथ हुई। मीता पंडित की स्वर लहरियों के साथ जी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का संगीतमय आगाज हुआ। 5 दिनों तक राजधानी के डिग्गी पैलेस में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम का मुख्य समारोह फ्रंट लॉन में हुआ। जेएलएफ सीईओ संजय रॉय, निमिता गोखले और विलियम डेलरिम्पल ने लिटरेचर फेस्टिवल की जर्नी शेयर की। डीएनए इंडिया की कंटेंट एडवाइजर श्रेयांशी गोयनका ने सभी साहित्यकारों को शुभकामनाएं दी और कहा कि साहित्य कुंभ ने पिछले कुछ सालों में अपार सफलता हासिल की है, साथ ही आने वाले सालों में इसकी लोकप्रियता और बढ़े इसके भी प्रयास करने होंगे। This is the 5th year of Zee's association with the Jaipur Literature Festival and with each year our commitment to what it stands for has strengthened. It is a matter of immense pride that the Zee Jaipur Literature Festival made its mark last year in the US and the UK and was overwhelmingly received. However, as Zee we realize that our responsibility extends beyond promoting literature. In December last year, we were instrumental in unveiling a unique initiative, the Sculpture Park at Madhavendra Palace that is located within the Nahargarh Fort, a collaboration between the Government of Rajasthan and the Saath Saath Arts Foundation. 25 जनवरी से शुरू होने वाले इस फेस्टिवल में पहले 6 पांडाल में कुल 32 सेशन रखे गए हैं। रानी पद्मिनी की बुक लॉन्च काफी चर्चा में रही और भी कई पुस्तकों का विमोचन हुआ। जाकिर हुसैन के सेशन को लेकर काफी क्रेज देखने को मिला। शाम को क्लार्क सामेर में बाड़मेर बॉयज और कैलाश खेर की प्रस्तुति भी विशेष आकर्षण होगी। आज फेस्टिवल का आगाज भर है और पहले दिन ही फेस्टिवल को लेकर लोगों का उत्साह चरम पर है। आने वाले 4 दिनों में साहित्य के इस महाकुंभ के कई और रंग देखने को मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इधर कांग्रेस नेता शशि थरूर आज जेएलएफ में शिरकत करने के लिए जयपुर पहुंचे। आज दोपहर जेट एयरवेज की फ्लाइट से वे चंडीगढ़ से जयपुर पहुंचे तो पिस्टल साथ लेकर जयपुर आए। पिस्टल लेने के लिए उन्हें जयपुर एयरपोर्ट पर 35 मिनट तक का इंतजार करना पड़ा। दरअसल नियमों के मुताबिक लाइसेंस शुदा पिस्टल को विमान से लाते समय पिस्टल एयरलाइन को सुपुर्द कर दी जाती है। शशि थरूर ने भी अपनी पिस्टल एयरलाइन को दे दी थी। इसके बाद जयपुर में पिस्टल सुपुर्दगी के दौरान समय लगा। विमान से स्कॉर्ट के साथ पिस्टल एयरपोर्ट बिल्डिंग से लाई गई और कागजी पूर्ति के बाद शशि थरूर को सुपुर्द कर दी गई। इस दौरान करीब 35 मिनट तक थरूर बिल्डिंग के अराइवल एरिया में चक्कर लगाते रहे। हालांकि यह सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर क्यों थरूर को अपने साथ पिस्टल लानी पड़ी। गुलाबी नगर में जी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के 11वें संस्करण का आगाज हो गया है। 5 दिनों तक राजधानी के डिगी पैलेस में आयोजित हो रहे साहित्य के इस महाकुंभ में जहां पर साहित्य प्रेमी पहुंच रहे हैं, वहीं फेस्ट को लेकर युवाओं में भी काफी क्रेज देखने को मिल रहा है। इस फेस्ट में आज दिन भर कई सेशन हुए। सिंगर कैलाश खेर के सेशन के दौरान युवाओं का हुजूम उमड़ा और सभी ने सेशन का जमकर लुत्फ उठाया। इस दौरान राजधानी की यूथ परी अरोड़ा ने कैलाश खेर से मुलाकात की और उनसे उनके एक्सपीरियंस जाने। लेकिन पहले एक प्रोसेस होता था, होठ उसको छूते थे और होठ मैसेज भेजते थे अपने सारे सिस्टम को कि हाँ यार कुछ है बात में दम, और तब उससे तृप्ति मिलती थी। तो इसीलिए पुराने लोगों की शक्ति देखी, पुराने लोगों की श्रद्धा देखी, पुराने लोगों की शरीर देखी, पुराने लोगों को रोग नहीं होते थे, निरोगी काया होती थी ज्यादातर। और पहले ज्यादातर डॉक्टरों के यहाँ जाना नहीं होता था ज्यादातर, और अब धीरे धीरे जितना प्रकृति से हटते जाते हैं उतना ही आप विकृत होते रहते हैं। तो मेरे लिखावट में, मेरे लिरिक्स में एक प्रकृति का समावेश होता है। और जहाँ तक आपने बात कही है कि अगर कभी पुस्तक निकले, और कोशिश तो है, लगभग हमारी 200 के करीब गाने हमने लिखे हैं अब तक, तो वो सब इकट्ठे करना, उनको करेक्ट तरीके से लिखना, रोमन में भी
क्योंकि पहले अंग्रेजी में और फिर हिंदी में दोनों में लिखावट होगी ना, तो मेहनत कोई सच्चे मेहनत लगन वाला कोई चाहिए जो बैठ के एकदम उसको ऐसा करे जैसे प्रार्थना कर रहा हो। उतना लगन अब सब लोगों में अब बची नहीं है। ज्यादातर 70 चीजें करना चाहता है हर कोई, ऐसा कोई है ही नहीं कि भाई मुझे जी चांद छूना है लेकिन मैं सुकून से छूंगा। और सर जहाँ तक म्यूजिक की बात है तो आप क्या प्रेफर करते हैं, मतलब बॉलीवुड में या फिर इंडिपेंडेंट म्यूजिक? नहीं देखिए, प्रेफर करने की बात नहीं होती। खाना खिलाना चाहे घर में खिलाओ चाहे आप दुकान में खिलाओ, होता क्या है कि संगीत जो है अच्छा बने, चाहे फिल्म में बने चाहे नॉन फिल्म में बने, अच्छा म्यूजिक हो, मीनिंगफुल हो, उसकी कोई सीख हो, यही ना हो कि सिर्फ फुहड़ एंटरटेनमेंट होके रह जाए। अच्छा हमारे गानों में क्या होता है, देखिए फिल्मों के भी गाने हैं और फनी भी हैं लेकिन उनमें भी कुछ सीख होती है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं आखिर कल क्या कुछ खास रहेगा जी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में। दूसरे दिन की अगर बात करें तो कल करीब नंदिता दास चर्चा करेंगी, ये आपको कार्यक्रम बता रहे हैं साहित्य के महाकुंभ में क्या कुछ होने वाला है। अनुराग कश्यप द हिट मैन सेशन पर चर्चा करेंगे, ये स्केड्यूल रहने वाला है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी मन टू द मैन एंड द लीजेंड, इस पर बात करेंगे। जाहिर तौर पर कई दिग्गज हस्तियां पधारने वाली हैं तो उनके सेशंस होने वाले हैं। दूसरी शाम को रियल शुगर और शिल्पा राव यहां पर म्यूजिकल परफॉर्मेंस देंगे, जिस तरह से आज का दिन बेहद खास रहा। तीसरे दिन की अगर बात करते हैं तो शहीद मनदीप सिंह की बेटी गुरमेहर कौर यहां पर चर्चा करेंगी, उनका सेशन रहेगा। ग्रीन लुकिंग एट यंग इंडिया पर गुरमेहर बात करेंगी, तो पूरा इवेंट बेहद खास। और दिन ब दिन अगर बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे सेशंस होने हैं, म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस होनी हैं जिसमें आपको हर रंग देखने को मिलेगा। और चलिए अब बात करते हैं जयपुर से। क्रिएशंस 2018 का आयोजन नोवा एनुअल फैशन शो IISU कैंपस में शो, फैशन टेक्सटाइल के यहां पर बहुत सारे रंग आपको देखने को मिल रहे हैं। जी रीजनल CEO जगदीश चंद्र ने यहां पर शिरकत की। आपको बता दें इस कार्यक्रम में जी मीडिया DNA मीडिया पार्टनर है। तो तस्वीरें क्रिएशंस 2018 के आयोजन की, नोवा एनुअल फैशन शो है जिसमें यहां पर जी रीजनल चैनल्स के CEO जगदीश चंद्र ने शिरकत की, चूंकि जी मीडिया और DNA इस पूरे इवेंट का मीडिया पार्टनर है। Now this effort to promote the local talent in the area of fashion, designs, art, culture, literature, I admire, I support. I can rate this show as one of the best show in the city. As far as Zee is concerned, Dr. Ashok Gupta, me and Zee are natural allies. We work together. We'll continue to promote the local talent in this fashion in future.